हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश एंड नरसू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। दोस्तों, आज जो मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और कुछ माइंड में रख लीजिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो निकाल दीजिएगा। तो अभी आप लोग सब जानते हैं समा पूर्ति को, या उसको पूर्ति स्टार बोल के भी सब जानते हैं। तो उनका लाइफ में आज एक टर्निंग पॉइंट आया है और आ चुका है, तो उसको वो लोग सामना कर रहे हैं। उनका लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है। एक वीडियो आपको मिल चुका होगा, आप लोग देख चुके होंगे उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में वो समा भाई बता रहे हैं कि देखो, उसको कोई धमक दे रहा है कि तुमको मार देंगे, गोली मार देंगे, तुम वीडियो छोड़ दो, वीडियो अपलोड मत करो। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, दोस्तों, आप इतना मेहनत से दिन रात मेहनत करके तुम लोग इतना ऊपर, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाके तुम आगे बढ़ गए, अभी कोई धमक देगा आप लोग क्या इंडस्ट्री छोड़ देंगे या यूट्यूब चैनल छोड़ देंगे जिससे आपका परिवार चलता हो। तो इसी तरह समा दादा कभी ऐसा है कि उनको कोई धमक दे रहे, क्योंकि वो अभी सबको जानते हैं समा पूर्ति कौन है, पूर्ति स्टार, या उनका गाना सुनने से भी सबको पता चल जाए, बच्चा जानते हैं पूर्ति स्टार को, ठीक है। तो ऐसा बात है कि उनको कोई धमक दे रहा है कि हम आपको मार देंगे, गोली मार देंगे, तुम इंडस्ट्री छोड़ दो, वीडियो अपलोड मत कीजिए। तो अभी फिलहाल एक वीडियो उनका आया था साहित्य दीदी बोल के, तो उसी गाने को भी मतलब वो मना कर रहे थे कि तुम अपलोड मत करो बोल के उन लोग। हाँ, वो कौन है वो तो मालूम नहीं है, वो वीडियो अपलोड करने से पहले उनको कॉल आया था, धमक दिए थे। जब कॉल आया फिर से, जब वीडियो अपलोड किए दो तीन दिन के बाद वो फिर से वो फ्रॉड जो फिर से कॉल किया और बोल रहा है कि तुमको समझ में नहीं आया, हम आपको समझाए थे, तो फिर से धमक दिया। तो धमक देने का मतलब क्या है, कोई उसे जानता है अच्छा से, ठीक है। अगर वो बोल रहे थे कि वो वीडियो में, हाँ वो भी सही बात है, अगर आपको उसके गाना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब समा दादा का गाना अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका लिरिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपका गाना ऐसा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा है, तुम्हारा कुछ गलती हो रहा है, उसको तुम सुधारो। कोई उसमें वो भी गलत नहीं सोचेगा, अगर हम एक भी बात बोल दें कि नहीं समा दादा तुम्हारा गाना लिरिक्स गलत है, तो वो सुधर लेगा। अगर गलत हुआ है तो वो गलत हुआ है, हाँ नेक्स्ट बार से गलत नहीं हुआ, हो सकता है, लेकिन हम किसी को धमक नहीं दे सकते, तुम छोड़ दो यूट्यूब छोड़ दो। वो क्यों छोड़ेगा यूट्यूब छोड़ने वाला नहीं, छोड़ने का भी नहीं है। तो सभी को मेरा और एक तो रिक्वेस्ट है, ऐसा प्रॉब्लम सभी का लाइफ में कभी कभी आ सकता है, तो इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है सबको, अपना जो यूट्यूब चैनल है सबको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। जब भी अगर ऐसा मुसीबत आता है आप लोगों के पास, तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेंट कीजिए, इसी नंबर से ऐसा कॉल आ रहा है, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, ऐसा मेरे को क्या बोले, मेरे को ऐसा धमक दे रहे हैं, इन लोग कौन है हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो समा दादा आप ये किए हैं कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है। अब हमको मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा, कि अभी क्या होगा, ठीक है। तो मेरा एक वही रिक्वेस्ट है सभी यूट्यूबर्स को कि वो चीज़ कीजिए, वो इंडस्ट्री को बचाइए, ठीक है। तो हो इंडस्ट्री अभी इन्हीं लोगों से आगे जा रहा है, हाँ, जो समा पूर्ति अभी पॉपुलर हो चुका है, ठीक है, सोशल मीडिया में नाम है उनका। तो ऐसा लोगों को अगर डराएंगे, धमकाएंगे, तो कैसा काम होगा, काम तो नहीं बनेगा ना। तो उसी को कोई समाधान का आपको एक रिक्वेस्ट है, दिल पे मात लीजिए वो बात, जो हुआ सो हुआ। ये एक
आपके लिए एक सीख था, सच में हम बोले तो एक सीख था, क्योंकि इससे सीख हमको यही मिलता है कि कोई हमको डरा रहा है, कोई तो पहचानता है वही डरा रहा है, ये कोई अलग आदमी नहीं है, क्योंकि उसी को जलन हो रहा है कि वो ऊपर लेवल नहीं जा पा रहे। आप लोग अगर इतना कम समय में स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके ऊपर चढ़ गए, हाँ, तो जो मेहनत नहीं कर पा रहे उसी को जलन हो रहा है, इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन तो सुमंत फाइनली बोल दिए कि यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, सब कोई एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है, उनको गाना को सुनिए, एंजॉय, तो सबको एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करते हैं गाना को, ठीक है। तो चलिए, जैसे कुकीज सर को सपोर्ट करते हैं, ऐसे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लव और एवरीथिंग, और हम लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहेंगे उसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, जय जवान। आपको अगर फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है।